यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 अपने स्पेसिफिकेशंस के बदौलत अपने सेगमेंट में सबसे आगे है, पर रियल वर्ल्ड कंपैरिजन और प्राइसिंग को मद्देनजर रखते हुए इसकी टक्कर एक सेगमेंट ऊपर के बाइक TVS Apache RTR 200 4V से होती है। तो क्या यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 अपने इंजन कैपेसिटी के डिसएडवांटेज से उभर पाएगा, बताएंगे इसी वीडियो में। पर उसके पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। परफॉर्मेंस में फर्क जानने से पहले स्पेसिफिकेशंस में फर्क जान लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अपाची RTR 200 अपने बड़े इंजन के बदौलत MT-15 से ज्यादा पावर और टॉर्क बनाता है, पर यह 14 kg भारी भी है। और एक जानी मानी इंग्लिश कहावत There's no replacement for displacement का सबूत यहां मिलता है, क्योंकि सिटी हो या हाईवे, अपाची RTR 200 MT-15 के आगे ही है। इनफैक्ट MT-15 में वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन या VVA होने के बाद भी ये 100 किलोमीटर पर आर का स्पीड अपाची से करीब 2 सेकंड बाद ही छू पाता है। लेकिन हाँ, यामाहा MT-15 का इंजन अपाची 200 से ज्यादा ट्रैक्टेबल है, जहां आप 5th गियर में भी 40 के स्पीड पे अपना डेली कम्यूट कर सकते हैं। और इनफैक्ट इसके बेहतर माइलेज के चलते आपके पैसों की बचत भी होगी। पर हाईवे राइड्स में फिर से अपाची 200 पासा पलट देता है, क्योंकि ना ही सिर्फ इसकी एफिशिएंसी बेहतर है, पर इसके 2 लीटर बड़े टैंक के वजह से आपका राइड भी थोड़ा और लंबा चलेगा। अपाची RTR 200 4V TVS के करीब 40 साल के मोटरस्पोर्ट एक्सपीरियंस का नतीजा है, जो इसके चैसी डिजाइन में साफ दिखता है। फिर इसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन भी मिलता है, जो सच कहें इसके 2-3 सेगमेंट और करीब 3-4 गुना कीमत के बाइक्स में भी नहीं है। और इसी रेस फोकस्ड डिजाइन और सस्पेंशन सेटिंग्स के होते हुए अपाची की हैंडलिंग काबिले तारीफ है। पर यामाहा का भी मोटरस्पोर्ट से पुराना और गहरा नाता है, जिसका फायदा MT-15 को भी मिलता है। सबसे पहले इसका यामाहा R15 से लिया हुआ पेरीमीटर फ्रेम काफी रेस्पॉन्सिव है, जो इसके कम व्हील बेस के होते हुए डायरेक्शन चेंजेस एकदम आसान बना देता है। फिर इसका अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क और अलॉय स्विंग आर्म कॉर्नरिंग करते वक्त आपको ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। और फाइनली इसके चौड़े टायर्स हाई स्पीड कॉर्नरिंग करते वक्त ज्यादा से ज्यादा लीन एंगल पे भी आपका कॉन्फिडेंस कायम रखते हैं। तो हैंडलिंग के मामले में MT-15 ही आगे है। ब्रेकिंग के मामले में TVS Apache RTR 200 4V MT-15 वर्जन 2.0 से कई बेहतर है। हालांकि इसमें ब्रेक डिस्क थोड़े छोटे हैं और इसके टायर्स भी पतले हैं। दरअसल अपाची को डुअल चैनल ABS का एडवांटेज मिलता है, जहां बेहतर फील और फीडबैक के साथ आप हार्ड ब्रेकिंग भी कर सकते हैं बिना टायर्स के ढोने के डर से। और यहां ही हमारी MT-15 से सबसे बड़ी शिकायत सामने आती है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट और परफॉर्मेंस के होते हुए भी इसमें डुअल चैनल ABS का ऑप्शन भी नहीं मिलता। और तो और, हार्ड ब्रेकिंग में इसके रियर डिस्क के लॉक होने के और टायर स्किड होने के भी चांसेस हैं। तो जैसे आपको अब तक पता चल गया होगा, अपाची RTR 200 4V में एडजस्टेबल सस्पेंशन और डुअल चैनल ABS है, जो दोनों आपको MT-15 वर्जन 2.0 में नहीं मिलते। फीचर्स की बात करें तो दोनों में LED हेडलाइट और टेल लाइट है, हैलोजन इंडिकेटर्स के साथ। दोनों में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, हालांकि ये MT-15 के केस में ऑप्शनल है। पर जबकि MT-15 में आपको कॉल और मैसेज नोटिफिकेशंस, सर्विस और मैलफंक्शन अलर्ट्स और पोस्ट राइड स्टैट्स मिलते हैं, Apache 200 के केस में पोस्ट राइड स्टैट्स तो नहीं मिलते, पर यहाँ टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है। और फाइनली Apache 200 का सबसे बड़ा इक्का सामने आता है, जो है राइडिंग मोड्स, जहां स्पोर्ट मोड में आपको पूरा परफॉर्मेंस मिलता है और अर्बन और रेन मोड में थ्रॉटल रेस्पॉन्स थोड़ा और रिलैक्स्ड हो जाता है। पर इन राइडिंग मोड्स में फर्क सिर्फ थ्रॉटल रेस्पॉन्स तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि यहां जबकि स्पोर्ट मोड में ABS का इंटरवेंशन सबसे कम है, ये अर्बन मोड में बढ़ जाता है और रेन मोड में सबसे ज्यादा हो जाता है। और हाँ, हम मानते हैं कि एक लगभग 21 PS और 17 Nm के बाइक में राइडिंग मोड्स का वैसे तो एडवांटेज नहीं दिखता, पर यह बिगिनर राइडर्स के लिए और खास करके तेज बारिश के वक्त में काफी हेल्पफुल हो सकता है।
और अब मुद्दे की बात पे आते हैं। दोनों बाइक्स के प्राइसेस में फर्क अच्छा खासा है, जहां यामा MT-15 वर्जन 2.0 TVS Apache RTR 204V से करीब 15,000 रुपए महंगा है, पर इस ज्यादा कीमत में आपको थोड़ा कम परफॉर्मेंस और काफी कम फीचर्स मिलते हैं। तो फाइनली अगर आपको एक स्टाइलिश और इजी टू हैंडल एंट्री लेवल परफॉर्मेंस बाइक चाहिए जो आपका डेली कम्यूट और वीकेंड जॉय राइड्स दोनों मजेदार बना दे, तो आप MT-15 वर्जन 2.0 को चुन सकते हैं। पर अगर आपका राइडिंग हर एक कंडीशन में होता है और आपको परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स और प्राइस सबका बेहतरीन कॉम्बिनेशन चाहिए, तो TVS Apache RTR 204V आज भी आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो क्या आप यामाहा के ही दीवाने हैं या TVS ने अपने फीचर्स और परफॉर्मेंस पैक बाइक से आपका दिल जीत लिया? कमेंट्स में बताना मत भूलिए। हम जल्द ही मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग बाइक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड कीप वॉचिंग बाइक देखो।